अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्त? ठीक ठाक है। ले बोजी शाहपुर गायरा मंडी और देखते हैं आज क्या सूरत हाल है मंडी की। ये छुरी वाला माल है भाई, ये भाई रख कर के बेचते हैं आपको, पर पैसे पूछता हूँ उससे। अला बकरा कितने का? दूसरा है, दूसरे नंबर वाला। 50,000 जोड़ी का मांग रहे हैं, 25,000 इसका और 25,000 उसका। लेकिन ये मैंने उसको बोला कि ये छुरी वाला माल है, वो कहता नहीं राखू है, ये गोश्त वाला माल है। ये चेक करो, ये देसी ले ला, साई वाली ले ला, मुना वाला ले ला। ये वज़न करते हैं, इसने कद नहीं करना, इसने ना दांतों में धोंधा होगा। ये सारा छुरी वाला माल है। और ये पिछले हफ्ते भी ये बकरे आए हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे। चलो जी यहाँ पे देखते हैं, ये फंडर बकरी हैं भाई। कितने पैसे मांग रहे हैं बकरे के? खरीदा ये जी 38 का लिया उन्होंने, छीना बकरा 38 का लिया, 38 का बकरा। और मुझे ये ना गेड़ी वाला लग रहा है, बाकी अल्लाह ना करे गेड़ी वाला हो। ये चेक करो, आंडल बकरा है, कलर छीना, लेकिन छुरी वाला माल है। ये है देसी ले ला भाई। कितने पैसे मांग रहे थे? 35,000 खीरा दोनों खीरा। और ये बकरा कितने का? इसका 40 मांग रहे हैं और इसका 35 मांग रहे हैं, लेकिन रेट बहुत नजायज है। सही है, पैर तुम्हारे लगाते हैं वो 17-25,000 से ऊपर का नहीं है। ये भाई के पास अच्छा बच्चा है, ये वाला लला है। बच्चा कितने का? दोनों इकट्ठे देने थे। कितने पैसे? 65,000 मांग रहा जी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा, इतने की चीज़ नहीं है। ये देखें पंडर बकरियाँ गोश्त वाली। अजय सुना ओ लल्ला, ये बच्चा इसके साथ है। कितने पैसे मांग रहे हो? 60,000 रुपया। इसके नीचे पाठ है जी भाई, ये 60,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। ये चेक करो, ये बकरी अच्छी है अगर ये क्रॉस ना हो तो। भाई ये बकरी कितने की है? ये वाली गबन है, खाली गबन है, खाली है, खाली बकरी है जी। ये बकरी अच्छी है, 45 मांग रहे हैं इसका। ये अच्छी तैयार हो जाएगी अगर किसी को लेनी नहीं होना तो शाहपुर गायरा मंडी। और ये इधर इनका नंबर तो खैर नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पे काटू माल है ज़्यादा, और इसमें राखू जानवर भी मिल जाते हैं। बकरी बहुत अच्छी है ये वाली, अगर किसी ने लेनी हो तो। 45 मांग रहे हैं, लेकिन 30-35 के अंदर इसका सौदा हो जाएगा। अच्छी बकरी है ये वाली। चलो जी आगे ये चेक करें, सारा देसी माल है ये वाला। ये भी गोश्त वाला माल है, छुरी वाला माल है भाई ये सारा। उसमें सवाए वो बकरी के अभी तक कोई जानवर इतना अच्छा नहीं लगा। ये भी गोश्त वाला माल है, फंडर बकरी है ये वाली। अल्लाह कितने पैसे मांग रहे थे? 45,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। कलर ये चीना का है, देसी बकरा, लेकिन फारग है। ये भी चेक करो भाई, सारा छुरी वाला माल है सारा। ये चेक करो देसी बकरे हैं ये। अल्लाह कितने पैसे मांग रहे थे? 55,000 आंडल बकरे जी, 55,000 इसकी डिमांड है। 4 दान 6 दान तो होगा, सिवाय उस बकरी के कोई जानवर इतना खास नहीं था। चलो आगे जाके दिखाता हूँ आपको मैं। ये बकरियाँ अच्छी हैं, वो बकरी अच्छी है ज़्यादा। ये चेक करो, ये फारग है, वो अच्छी है, बकरी खाली है ये वाली। यहाँ अभी पता लग जाता है गबन है खाली। अल्लाह बकरी गबन है, बकरी गबन है, अपनी बकरी 45,000 गबन नहीं की। ये चेक करें जी, पाठ है जी, 45,000 रुपये मांग रहे हैं इसका। ये चेक करें, दोनों में से अच्छी बकरी है ये वाली। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो शाहपुर गायरा मंडी आप चक्कर लगा लो। डिमांड इसकी 45 कर रहे हैं, जब मौके पे आओगे तो रेट हो जाएगा। अच्छी बकरी है ये, पाठ है। बहरहाल ये खूबसूरत है, इसमें से खाली है, बस क्रॉस ना हुई हो।
जब आप खुद क्रॉस करवाते हो ना, आपको पता होता है कि यार मैंने इस बकरे से क्रॉस करवाई है, इसके बच्चे अच्छे आएंगे। ये लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा झूठ। ये चेक करो, ये देसी बकरा है, ये भी देसी है, तीनों देसी है लेकिन काटू माल है। भाई ये सीन है इस बकरे का, इस बकरी का, इस छतरे का, ये वाला काम है। लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा झूठ। पर्ची है भाई 100 रुपये इधर एंट्री की, बड़ा जानवर 500 रुपया। अब तो इन्होंने ये देखो ना, ये रश लगा हुआ है ना सारा, मंडी में ज़्यादा माल बिकता है बड़ा, बकरे का इतना कस्टमर नहीं है। लेकिन अब चेक करो इधर, ये देखो भाई, ये सारा देखो आप। मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, आता हूँ। ये चेक करो, ये माल है जी सारा छुरी वाला। अभी ये भी आप देखो, ये वाला बकरा कुछ बेहतर है, गुम्बा आपको दिखाता हूँ। ये मुंदर है, बाबा हो गया, ये इतना क्वालिटी में नहीं है, जाती जाता है। ये सिंधी मुंदरे हैं, ये बोता नस्ल है, ये कराची में ज़्यादा होते हैं, हैदराबादी मुंदरे हैं ये। इसके बच्चे लेते हैं आप 25-30 हज़ार के, कोई फ़ायदा नहीं है। ये ले लो आप, अगर इतना वो इन्होंने इतना ही होना होता है, बहुत कम होते हैं इसमें जो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये चेक करो, ये सारा नॉर्मल क्वालिटी का जानवर है, छुरी वाला माल है सारा, ये वाला। इनके सामने अड्डे हैं, बुध को माल बाहर लगा लेते हैं, वैसे अंदर ही बेचते हैं। ये देखो ना, ये बकरा अच्छा भाई लिए कि बेच रहे हो? वो वाला बच्चा कितने का? 60,000 रुपये का लिए है कि बेच रहे हो? ठीक है ठीक है, 2024 पे बिक जाएगा इंशाल्लाह। टांग ख़राब है भाई उसकी ना, ये चेक करो, उसका कलर अच्छा है, हैंडल बकरा है, लेकिन इसको आप खसी कराओगे अच्छा तैयार हो जाएगा कुर्बानी के लिहाज से। ये पत्तों के बंदे माल लेके आते हैं, ये चेक करो बकरा, ये भी खूबसूरत है, अबलक में जानवर है, लेकिन इसकी आँख का थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो ड्रॉप डालेंगे सेट हो जाएगा। ये बच्चा खूबसूरत है, जिस तरह मैंने आपको पीछे पट दिखाई है ना एक अबलक में, उस तरह ये बकरा है, खूबसूरत जानवर है। हैदराबादी हैदराबाद क्या कहते हैं, रेमियार खान वाली साइड पर ना इसको पटेरे बोलते हैं। लला बच्चा किन्ने का? ये किन्ने पैसे भाई? 40,000 रुपये। खीरा? खीरा भाई, खीरा भाई 40,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ना 30-25 के अंदर इसका सौदा हो जाएगा, 30,000 रुपये के अंदर। खूबसूरत जानवर, बड़ा अच्छा तैयार होगा। ये चेक करो जी, ये भी बकरे हैं इनके पास, देसी बकरा है ये भी, दांतों में खीरा बकरा, खीरा बच्चा ये भी, लेकिन ना लंबाई कोई नहीं है बकरे के पास। भाई कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? इसका इस केले का नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा भाई, जायज पैसे मांगोगे तो बिक जाएगा। ये 1.10 भाई ये मांग रहा है, और ये रात तक भी खड़ा होगा तो जानवर नहीं बिकना। ये पीछे वाली टांग उसकी ठीक नहीं है, मैंने उसके सामने तो नहीं कहा, लेकिन आपने चीज़ लेनी है इसलिए आपको बताता हूँ, चला के देखा करो। ये बकरा भी अच्छा है। लाला कितने पैसे थे? ये भी है। ये कितने का है? मुँह से क्या है ये? दो दांत हो गया ये जी, 1,00,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। उनकी चीज़ है भाई, पैसे मांग सकते हैं, आपने अपने हिसाब से इनको रेट लगाना है, जहाँ पे आपको चीज़ समझ आती है। इसका 1,00,000 मांगा है, इसका उसने 95 मांगा है। ये देख लो जी, ये बकरा भाई 55-60 से ऊपर का बकरा नहीं है, और वो जो लेला है वो भी इतने का ही है, 60 के ऊपर वो लेला भी नहीं है। ये देखें, गोश्त वाला माल है ये, सामने इनका अड्डा है, सिंधी बकरे हैं ये देसी सिंधी क्रॉस में, और ये सिंध का माल है सारा। ये आप रख नहीं सकते वरना नुकसान हो जाएगा आपका। ये बकरा अच्छा है, ये बेच रहे हैं बकरा, बड़ा बकरा चीना। भाई कितने पैसे इसकी मांग रहे हो? 2-30 दांतों में क्या पूरा? ये मक्खी चीना भाई के पास 2-30 इसकी डिमांड है।
ये चेक करो ये जी 230 भाई, यहाँ पे रोको जरा एक मिनट, ये भाई 230 इसका मांग रहे हैं शाहपुर गांजा। दो तीस भाई रिमांड करें दांतों में पूरा, बाकी कजलों वाली साइड पे अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि ना आपको पता लगे माल शाल कोई भी नहीं आता इतना खास इधर, ये गाड़ियाँ ही नहीं आती। ये बकरा हाइट अच्छी है, इसकी लंबाई भी अच्छी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इस तरह के। अगर आपने बकरे लेने हो तो अहमदपुर शरकिया मंडी करें, इससे वजनी बकरा आपको वहाँ से 1-10, 1-20 का वहाँ से मिल जाएगा। चलो जी आगे ये चेक करें भाई, ये भी सारा सिंधी माल है, ये चेक करें भाई ये सारा सीन है, ये सौदा हो रहा है जी इधर। चीने बकरे खट्टे चीने हैं, ये लाल चीने और ये खट्टे चीने हैं, देसी बकरे हैं ये जी, बकरों का सौदा हो रहा है इधर। ये है तो चीना लेकिन सिंधी में क्रास है, इस वजह से इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। सात वाले बकरे दोनों अच्छे हैं कुर्बानी के लिहाज से, ये चेक करो माल थोड़ा सा ज़्यादा है आज, ये छुरी वाला माल है सारा, छोटे बच्चे हैं लेकिन राखू करके बेचने हैं उन्होंने, उनमें से कुछ बकरे अच्छे हैं बाकी सारे फारक हैं। ये बकरा अच्छा है, लोग होना अच्छा है, ये चेक करो बच्चों में ना पीपीआर बहुत जल्दी आता है, तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये बच्चा देख लो ना अभी इसको, अभी स्टार्ट ही है, ये जगह छोटा माल है सारा। और ये चीना चेक करें, लंबाई देखा करें बकरे की, अगर आपने रखने के लिए जानवर लेना ना उसको खूबसूरती तो होती है लेकिन उसके साथ लंबाई भी देखनी है, जितना लेला लंबा होगा उतना अच्छा तैयार होगा, जिसकी लंबाई नहीं होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये चेक करें, ये शेरा प्रिंट में बकरा है, कलर बहुत अच्छा लेकिन बकरा क्वालिटी में नहीं है। बाकी आप ये चेक करो, ये सारे देसी बकरे हैं, ये चेक करो, ये चेक करो भाई, ये भी सारे देसी बकरे, ये देखें बकरा अच्छा है, कलर अच्छा है, ये चेक, ये बकरा भी खूबसूरत है लेकिन सींग इसके अच्छे हो जाएंगे, यहाँ से कट जाते हैं सींग, कलमें बन जाती हैं लेकिन राजनपुरी और सिंधी में क्रास है, ये जो कराची में होते ना कपले वो सीन है। चलो आगे, ये बहुत सी आप जानवर देखो, ये सलोची ले ला है लेकिन इतना खास नहीं है, अल्लाह ले ला कितने का सलोची, 60,000 रुपये मांग रहे हैं ये जी भाई, इसकी डिमांड 60 कर रहे हैं, सलोची ले ला। चलो जी आगे, ये चेक करो भाई वो बकरा अच्छा है, ये चेक करो, देसी बकरे हैं सारे लेकिन क्वालिटी वाला जानवर नहीं है, जो चीज़ की समझ आती है ना मैं उसी के पैसे पूछता हूँ कि ये जानवर ठीक है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ये, उनकी चीज़ है जितने मर्जी पैसे मांगे। अब ये बकरा देखो माशाल्लाह खूबसूरत बकरा, बड़ा बकरा राजनपुरी, ये चेक करो अच्छा बकरा है ये, इसकी हाइट भी अच्छी है, ये चेक करो बड़ा बकरा है, नाइन्टी 95 लगाया भाई, खूबसूरत जानवर है ये, मैं 1,000 का फर्क नहीं करके तेरे नाल 14 पीता
95 लगाया उन्होंने और वो लाख रुपए फाइनल हो रहा है। बकरा बड़ा है, थोड़ा सा वीक है, लेकिन इसको अच्छा। भाई मैं वैसे अगर आपको अपना आइडिया बताऊँ ना, तो ये लाख का भी बकरा महंगा है। ये कद करेगा, वज़न नहीं इतना उठाना इस बकरे ने, क्योंकि इसका पेटा नहीं है, बकरे में फलाव नहीं है, लंबाई भी पूरी है, बकरे की हाइट भी अच्छी है, लेकिन जो वजूद होता ना बकरे का खुलने वाला, वो वाला सीन नहीं है। 95 लगा के जा रहे हैं वो इनको, लेकिन इसको देना चाहिए था, वो लाख रुपये मांग रहा है फाइनल। बकरा खूबसूरत है, कोई शक नहीं है इसमें। ये भाई के पास भी एक जानवर है। भाई कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? 1.5 लाख रुपया। दांतों में क्या है? 4 दांत है भाई, 150 इसकी डिमांड कर रहे हैं। आंडल बकरा है, इसको लेके आप तैयार कर सकते हो, लेकिन पैसे उन ज़्यादा मांग रहे हैं। उनकी चीज़ है, फेस बड़ा खूबसूरत है। ये चेक करें इसकी निस्बत, ये बकरा बहुत अच्छा है, लंबाई भी अच्छी है बकरे की। ये चेक करें, इसको अच्छे पैसे लगे थे, इसको देना चाहिए था बकरा ना, उसने 95 इसको लगाया। ये चेक करें, चलो जी आगे। ये पट्ठे हैं जी भाई, चीनी। बकरे का जिस्म हो ना कि यार इसको मैं खिलाऊंगा ये भरेगा, ये वो वाला काम नहीं है। बकरे की हाइट अच्छी है, लेकिन जिस तरह इसका वजूद होना चाहिए ना बकरे का, बनने वाला, वो चीज़ नहीं है। ये चेक करें भाई, ये सारा छुरी वाला माल है। ये भाई के पास, भाई गब्बड़ है खाली। कितने पैसे मांग रहे हो? 170। बस खलोते रहो फिर। चलो जी आगे। ये भाई माल सारा चेक कर लो, आगे कुछ भी नहीं है भाई, आगे फिर आगे बड़ा जन्म स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सिंधी फाड़ ले। लो बो जी, बाकी इंशाल्लाह आगे भी डगाती रहेंगी। दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।